हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ममता सिंगल। और फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक छोटी सी शॉपिंग, क्योंकि एक दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि मैं मार्केट गई थी कुछ शॉपिंग करने। तो वहां से मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था, कुछ वैसे खरीदा, कुछ ग्रोसरी का सामान। तो जो ग्रोसरी का सामान था वो तो मैंने कंटेनर में डाल के रख दिया है, और बच्चों की काफी सारी चीजें थी जैसे बच्चे रुकते नहीं है, आपको सबको पता है। तो जैसे ही जस्ट मैं लेके आई, उन्होंने पैकिंग वैकिंग खोल के बहुत सारे उनके चॉकलेट्स वगैरह के और टॉफीज के पैकेट मैं घर ही ले आती हूँ। मतलब मंथली ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं तब उनके साथ ही, ताकि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमेशा ये जिद करते हैं कि दुकान से उनको कुछ चीज लेनी है। तो मैं दुकान से उनको चीज नहीं दिलाना ही बेटर समझती हूँ। तो मैं जब भी मतलब ग्रोसरी का सामान मंगाती हूँ, उसके साथ बच्चों के चॉकलेट्स के टॉफीज के इस टाइप से पैकेट मंगा के रख लेती हूँ पहले घर में, और जब भी वो जाते हैं स्कूल को उनको वहां से थोड़ा थोड़ा देती रहती हूँ, ताकि बच्चे डेली डेली दुकान पे ना जाए, रोज रोज दुकान पे ना जाए। तो वहीं से मैं ला कर रख लेती हूँ। तो वो तो मैंने रख दिया था और बच्चों ने यूज भी कर लिया, कुछ खा भी लिया है बच्चों ने उसमें से, क्योंकि बच्चे तो भाई मानते नहीं है, क्योंकि मुझे 4-5 दिन हो गए शॉपिंग किए हुए। तो वो सामान तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसा सामान लेके आई हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये सामान, मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आती है आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो, बातें, शॉपिंग, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल भी प्रेस कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचती रहे, आपको पता चल जाए मैं जब भी कोई नई वीडियो डालती हूँ आपको तुरंत पता चल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। और प्लीज आप लोग कमेंट भी किया करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो बट कमेंट नहीं करते, वीडियो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है वहां पे, तो वो भी आप प्रेस कर सकते हो। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ, मैं एक ये मतलब ये तो मैं लेके नहीं आई, ये मेरी ननद ने दिया था मुझे, ये सिल्वर डीप, ये देख सकते हैं आप, सिल्वर डीप इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर। ये ऐसी जो चांदी की पायल वगैरह हम पहनते हैं तो वो ये बहुत अच्छे से साफ कर देता है। आप कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा बस सिर्फ इसको सोल्यूशन को डालना है किसी बर्तन में, और 5 से 10 मिनट के लिए चांदी की पायल या जो भी चीज है सिक्के वगैरह आप उसमें डाल के रख दीजिए और बिल्कुल साफ हो जाते हैं। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो मुझे पहले नहीं पता था कि ये इतना अच्छा है, बट मैंने यूज किया तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये मेरी ननद ने दिया था और ये है ओरिफ्लेम का, क्योंकि वो ओरिफ्लेम के मतलब इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। तो ये अच्छा है काफी, अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो उसको, काफी अच्छा है ये। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं लाइट वाइट पड़ रही है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ये अभी नहीं लेके आई, मुझे दिया था उस दिन। मैं लेके आई हूँ कुछ कपड़े और कुछ सूट लेके आई हूँ। एक सूट ये है, आप देख सकते हैं, आप मुझे बताना कि आपको कौन सा सूट अच्छा लगा। सबसे पहले ये वाला सूट है एक, और इसकी ये बॉटम है येलो, और ये है इसका दुपट्टा, देख सकते हैं आपका कॉटन का दुपट्टा है ये, अच्छा दुपट्टा है काफी। ये देखिए, पूरा खोल के दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए कॉटन का दुपट्टा है। एक सूट ये हो गया, और आगे ऐसे पैच बना हुआ है इसके, और ये पूरा ऐसे है, नीचे लेस लगी हुई है आप देख सकते हैं। तो ये भी इसकी लेंथ भी पूरी है और अच्छा सूट है काफी सिंपल सूट है, क्योंकि कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम सूट लेने जाते हैं एक दो, और जब हम अच्छे लगते हैं तो हम एक दो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वैसे ही मैंने किया। एक ये वाला है, देखिए ये भी काफी अच्छा है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ बीच में छोटा सा पैच लगा हुआ है, अच्छा है सच में। ये देखिए नीचे लगा हुआ है, और नजदीक से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये वही इसकी पॉकेट भी दी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी पॉकेट भी अंदर की साइड, मैंने तो अभी देखी है, उस टाइम नहीं देखी, एक पॉकेट भी है, जैसे इसे लेगा तो फ्रंट में आएगी पॉकेट। और अच्छा सूट है काफी सिंपल सोबर, आप इसको घर में पहन सकते हो इस तरह से। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका सिंपल है बट अच्छा है। उसके बाद एक है ये वाला, ये देख सकते हैं आप,
पूरी लेंथ है और नीचे थोड़ी सी लेस लगी है ऑरेंज कलर की, क्योंकि ऑरेंज ही इसकी जो बॉटम है वो ऑरेंज है, इसकी बॉटम ऑरेंज है इसलिए इसका जो नीचे का पैच है वो भी ऑरेंज है। तो ये देख सकते हैं आप, और इसका दुपट्टा भी काफी अच्छा है, ये देखिए। मतलब दुपट्टे कई बार इतने अच्छे आते हैं ना, जो दुपट्टे अच्छे आते हैं उनके फिर सूट ज्यादा हैवी नहीं होते, तो इसका दुपट्टा काफी अच्छा है, ये देखिए। कॉटन में आई, ये भी कॉटन के दुपट्टे हैं लगभग सभी के, देखिए वाला सूट हो गया। और ये उसके बाद था ये वाला, खुद खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये बिल्कुल प्रिंट के अंदर है, हल्की सी कढ़ाई है और पूरे प्रिंट है इसमें, बट ये कपड़ा काफी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। इसकी भी लेंथ पूरी है, अच्छा है, और बैक से बिल्कुल इस तरह से है ये जी। नीचे छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, प्रिंट हो रहा है ये। और इसका दुपट्टा है ग्रीन और ये क्रीम कलर का, इस तरह से दुपट्टा है इसका। तो ये था, और एक था ये देख सकते हैं आप, लग रहा है आपको, बट ये इसका जो दुपट्टा है वो बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए आप, रेड कलर में है, मैरून में, और इधर इसकी स्लीव दी हुई है इस तरह से, ये देखिए। और रेड बॉटम इसकी, इसकी रेड बॉटम है। और उसके बाद इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ मैं आपको, इसका दुपट्टा है ये वाला, देखिए दुपट्टा इसका काफी अच्छा लगा मुझे, ये देखिए। तो सब सूटों में से मुझे यही ज्यादा अच्छा लगा, सकते हो यहाँ आने जाने में डाल सकते हो, मतलब सूट ज्यादा हैवी नहीं है, बट इसका दुपट्टा है वो काफी हैवी है और अच्छा है, अच्छा लुक आता है पूरा बनने के बाद, तो बहुत अच्छा लगेगा ये सूट। यही थे बस, और उसके बाद मैं ये डिटॉल हैंड वॉश लेके आई हूँ, क्योंकि जो इनकी जो वो होते हैं कंटेनर, वो तो मेरे पास काफी रखे हुए होते हैं, लेकिन बार बार जैसे वो अंदर का फिनिश हो जाता है तो फिर हम ऐसे ही उनको फेंक देते हैं, बट उनको इस तरह के पाउच भी अगर आपके पास पहले से वो डब्बी है तो आप इस तरह के पाउच लाके इनको यूज कर सकते हो। तो ये 3-4 का एक सेट होता है, ये मैं लेके आई थी, तो डब्बियां तो काफी सारी पड़ी हुई है, बस उनको इसमें डाल देंगे ना तो फिर यूज हो जाएगी। तो इस तरह से मैं ये लेके आई थी डिटॉल हैंड वॉश, और बच्चों के हैंड की, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मेरे बच्चे तो ज्यादा कर देते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कहीं भी स्कूल में क्लास में, तो इस तरह से मैं हमेशा ऐसे ला के रख लेती हूँ एक दर्जन, 2-3 महीने तक ही चलाएंगे, उसके बाद सारे फिनिश कर देंगे। और उसके बाद था ये एक गुलाब जल, काफी अच्छा है ये भी, कि मैंने पहले यहाँ से ले लिया था कभी यहीं से कोई नजदीक की मार्केट से, तो वो इतना अच्छा नहीं था, तो मैं ये लेके आई हूँ, VLCC रोज वाटर, अच्छा है ये, इसको आप स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये कड़े, लेके आई हूँ मैं, आप देख सकते हैं, मुझे काफी अच्छे लगे ये, मेरे पास हैं वैसे काफी सारे, बट मुझे ऐसे ही पसंद आए तो मैंने ले लिए। और ये 100 रुपीज यही सामान लेके आई थी, बाकी ग्रोसरी का सामान तो मैंने कंटेनर में डाल ही दिया है। कुछ ऐसा सामान था जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि यूज हो गया, कंटेनर में डाल दिया, सेट हो गया, ये इस कपड़े उपड़े तो ऐसे हैं, रखे रहते हैं, हम बाद में भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ जरूर शेयर की जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी शॉपिंग पसंद आई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा सूट अच्छा लगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप, तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।